नॉर्मल सी बात हो गई इनके लिए, मतलब हाँ भी वर्ल्ड कप जीत गया, चलो ठीक है यार ले आओ, ठीक है रख दो अलमारी में रख दो। तो इसीलिए कमी वाली हालत देख लें, एयरपोर्ट पे भी कोई लेने नहीं आ रहा है उसको, एयरपोर्ट पे जो है बेचारा अगला अकेला खड़ा हुआ है यार, कि भाई कोई लेने ही आ जाओ, कोई वार्म वेलकम ही हो जाए बिल्कुल ही। सिर्फ मीडिया वाले पहुंचे हुए थे 5 से 6, जो कि वो उसकी भी वीडियोस वायरल हो रही है। इंडिया ऑस्ट्रेलिया का फाइनल में बहुत सारी बातें चल रही है, पिच को लेकर बहुत सारी बातें चल रही है, इंडिया ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली, इस तरह की बहुत सारी बातें चल रही है। इंडिया ने अपने हिसाब से जो है वो पिच बना ली, वो उनको भारी पड़ गया। देखिए जो भी था, देखिए पिच दोनों के लिए थी, उनके लिए भी थी और यहाँ उनके लिए भी थी, लेकिन पिच को अच्छी तरीके से रीड किया पैट कमिंस ने। जो पैट कमिंस वाली हालत देख लें, एयरपोर्ट पे भी कोई लेने नहीं आ रहा है उसको, एयरपोर्ट पे जो है बेचारा अगला अकेला खड़ा हुआ है यार, कि भाई कोई लेने ही आ जाओ, कोई वार्म वेलकम ही हो जाए बिल्कुल ही। सिर्फ मीडिया वाले पहुंचे हुए थे 5 से 6, जो कि वो उसकी भी वीडियोस वायरल हो रही है। जो टॉस जीत के उसने बैटिंग दी है ना रोहित शर्मा को, वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो रोहित शर्मा का एकदम ही दिमाग जो है ना वो घुमा दिया, कि भाई ये इसने क्या कर दिया। मतलब रोहित शर्मा ने बोला तो कि हम भी बैटिंग करते अगर हम टॉस जीतते, लेकिन उसने कहीं ना कहीं वो काउंटर अटैक के लिए मुझे लगता है कि बोला कि ठीक है भाई हम भी प्रेशर नहीं लेते, हम करेंगे बैटिंग। इसके बारे में बातें चली, लेकिन इसको साइड में रखिए, इंडिया जो है वो अच्छा खेला थ्रू आउट द टूर्नामेंट, पूरे 10 के 10 मैचेस जीता। लास्ट में कहीं ना कहीं हारना था, ये चीज तो कहीं ना कहीं से डाउट थी, सबको था कि लास्ट मैच हारेगा और वही हुआ, लेकिन हारना नहीं चाहिए था। जिस तरह की इंडिया की टीम थी, ये टीम जो थी ना, ये जीतना ही जीतना चाहिए था, मुझे लगता था ये। इसके बाद पता नहीं आगे इस तरह की टीम इंडिया के पास होती नहीं होती, लेकिन ये बिल्कुल बैलेंस साइड थी। फील्डिंग भी, बॉलिंग भी, बैटिंग भी, तीनों शोबों में जो है ना ये बहुत ही ज्यादा आउटस्टैंडिंग टीम थी और सबको जो है ना मारदेव आ रही थी टूर्नामेंट में। लेकिन एंड में आगे फाइनल में आगे इतनी बुरी परफॉर्मेंस जो कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। पाकिस्तान और इंडिया को लेकर बात चल रही है कि भाई पाकिस्तान जो है वो बहुत ज्यादा खुश है इंडिया की हार पे, चैनल्स पे बातें हो रही है, दूसरी जगह बातें हो रही है, लेकिन यहाँ पे देखें हर मुल्क में जो है ना गंदे अंडे जरूर होते हैं, कुछ यहाँ पे भी है कुछ वहाँ पे भी है। जिस तरह से देखिए वहाँ पर बात हुई थी जब पाकिस्तान आ रहा था, तो कुछ वहाँ के जो है वो एक्स प्लेयर्स ने डांस किए थे और उल्टी सीधी बातें की थी, जिसमें इरफान पठान ने जो आपको याद होगा अफगानिस्तान वाले मैच में, उस पर भी एक वीडियो बनी हुई है जिसमें उसने डांस किया था पाकिस्तान की हार पे आगे, जो बहुत ही ज्यादा जो है वो ऑकवर्ड लग रहा था उस टाइम पे, बिल्कुल ही ना दे रहा भाई, ना लेना ना देना, और तो आगे नाच रहा है इसमें। तो उनके रिस्पॉन्स में जो है ना कुछ पाकिस्तानियों ने उसके रिस्पॉन्स में जो है वो जवाब दिया है, ना कि पूरी इंडियन टीम को। सबको पता है कि यहाँ पर भी बहुत सारे पाकिस्तान में भी बहुत सारे इंडियन टीम के सपोर्टर थे, जो सपोर्ट जो चाह रहे थे कि इंडिया जीते ऑस्ट्रेलिया ना जीते। देखिए ऑस्ट्रेलिया से तो वैसे ही हार आई हुई सबको, यार भाई तो 6 जो है ना वर्ल्ड कप ये पहले ही ले गए, मतलब अब तो ऐसी नौबत आ गई कि सामने वाली टीम जो भी हो वो जीत जाए, बस ये ऑस्ट्रेलिया ना जीते। और मेरी तरफ से तो बिल्कुल मैं ये चाह रहा था कि भाई इंडिया जीत जाए, ऑस्ट्रेलिया अब ये लेके ना जाए, मतलब कितने लेके जाएगा भाई अब तो आज सोशल मीडिया पे। लेकिन वहां पर ये कहा जाता है कि इतना ज्यादा कोई इंटरेस्ट है नहीं क्रिकेट के अंदर, ठीक है उनकी टीम बहुत अच्छा कर रही है वहां पर सबको पता है, लेकिन इतना ज्यादा जो है ना वहाँ पर इंटरेस्ट नहीं दिखाया जाता क्रिकेट को लेकर। वहां पर बात ही की जाती है कि फुटबॉल को जो है ना बहुत ज्यादा सराहा जाता है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, और आपको पता है वहाँ की फुटबॉल टीम्स वगैरह कितनी ज्यादा जबरदस्त है, और तो क्रिकेट को इतना ज्यादा वहाँ पर सीरियस लिया नहीं जाता, वो आपने देख ही लिया। पैट कमिंस बेचारा जब पहुंचा है वहाँ पे तो कोई कोई रश कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर वही आप देखें इंडियन पाकिस्तान में अगर कोई वर्ल्ड कप जीत जाए तो भाई 2 से 3 दिन तक ऐसा लगता है कि रोडे ब्लॉक हैं और शोर शराबा रोडों पे, आवाम निकली हुई होती है, रश होता है, कप्तान के घर पे पहुंचे हुए, टीम प्लेयर्स के घर पे पहुंचे हुए, लोग खड़े हुए हैं इंतजार के लिए। सरफराज की चैंपियंस ट्रॉफी की अगर बात करें तो आपको याद होगा कि वो पता नहीं सुबह के टाइम वो बता रहा था कि मैं निकला था, लेकिन उस टाइम पे भी लोग जो है ना वो जमा थे, रमजान का टाइम था, सहरी का टाइम था, तो तब भी उतना ज्यादा जो है ना उसके पास लोग जमा थे, 2-2 3 दिन तक जो है ना लोगों का रश रहा उसके घर के बाहर। तो ये इस तरह का जो है ना नशा है पाकिस्तान और इंडिया में वर्ल्ड कप का और कोई भी ट्रॉफी का जो भी जीते हैं, लेकिन बेचारे ये इतनी जीत चुके हैं कि अब नॉर्मल सी बात हो गई इनके लिए, मतलब हाँ भाई वर्ल्ड कप जीत गया, चलो ठीक है यार ले आओ, ठीक है रख दो अलमारी में रख दो। मिचेल मार्श भी तो है वो पैर रख के जो है वो ट्रॉफी पे बैठा हुआ है, उनके लिए कुछ उसकी वैल्यू ही नहीं है भाई, वो ट्रॉफी जीत जाए कुछ भी जीत जाए उनके लिए वो नॉर्मल सी बात है बिल्कुल, मतलब ऐसे बैठा हुआ है जैसे सोफे पे पैर रख के बैठा हुआ है, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। और इस पर भी बहुत सारी बातें चल रही है मीडिया में, पता नहीं कि भाई इनको रिस्पेक्ट नहीं है और ये नहीं है वो नहीं है, भाई इनकी ट्रॉफी बाहर में जाए जो करना है करो, फेंको उठाओ जो करना है करो उनके लिए, लेकिन ये चीज़ एक नॉर्मल सी है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया बहुत अच्छा खेला, स्टार्टिंग में पिट रहा था, बिल्कुल जबरदस्त तरीके से कमबैक किया, शोएब अख्तर की बात भी सही साबित हो गई, बहुत अच्छा कमबैक किया ऑस्ट्रेलिया ने और हार्ड लग इंडिया। अभी ऐसी अब दोबारा इस तरह की टीम बन सकती है, नहीं बन सकती है किसी को नहीं पता। T20 चल रहा है, T20 का सीजन आ गया दोबारा से, सूर्य कुमार यादव को जो है वो ऑस्ट्रेलिया के साथ ये सीरीज दी गई है, लेट्स सी क्या करते हैं। मिलता है आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, और जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो वीडियो देखें तो, और जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो वीडियो देखें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और लाइक करें, वीडियो अच्छी लगे तो उसे शेयर भी करें। मिलते हैं आप लोगों से दोबारा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत अल्लाह।